हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो मोर एकेडमी। माय सेल्फ रवि कुमार। तो फाइनल कॉल है तुम लोगों के लिए, अगर तुम 23 सेक्शन में एमबीए करना चाह रहे हो तो राइट, सीमेट, इसनेट और महाराष्ट्र सीटी, ये तीन टॉप एग्जाम फाइनल कॉल की तरह रहने वाले हैं। ये ऑल थ्री एग्जाम्स राइट, अगर कोई इस साल ही एमबीए करना चाह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसके नोटिफिकेशन अभी आए नहीं है, ऑफिशियल डेट जो पहले की वही है, बट अभी को उससे अपने को प्रिपरेशन स्टार्ट करना रहेगा। आज की क्लास का मेन मोटिव क्या रहेगा, पहले मैं इन एग्जाम्स के बारे में बता दूं फटाफट, ठीक है। 2x पे देख सकते हो ये वीडियो, सीमेट, टीसनेट और महाराष्ट्र सिटी। फिर जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कौन कौन से कॉलेज के लिए इसके स्कोर कार्ड वैलिड होते हैं वो बता देता हूँ। फिर 70% सिलेबस इनका कॉमन है, वो सीमेट में भी है, वो टीसनेट में भी है, वो महाराष्ट्र सिटी में। I have a target कि मैं वो 70% सिलेबस पहले फिनिश करवाऊं। मैं तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड LR, AR और DI फिनिश करवाने वाला हूं सीक्वेंस में। मान लो ये मान के चलते हैं तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको साइड में रखते हैं, अब आने वाले 2 मंथ डिटेल में जो जो टॉपिक्स है सबको एक बार टच करेंगे, ठीक है, बेसिक विद प्रैक्टिस, जिसमें डेली प्रैक्टिस पेपर भी रहने वाला है तुम लोगों का। एंड इसके अंदर मैंने तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ग्रो मोर अकेडमी, यू कैन सर्च एंड ज्वाइन। यहीं पे ऑफिशियली सब कुछ सीक्वेंस में आएगा, तुम लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। ये पीडीएफ भी तुम लोगों को वहीं मिलेगी, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सबसे पहले सीमेट की बात करूं मैं, देखो वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुम लोग खुद रीड आउट करते रहोगे। मैंने यहाँ पे सेक्शन वाइज वेटेज बता दिया, ठीक है। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, VRC है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस है। एंड ये एक अलग इनोवेशन है इंटर, ये जो नया पार्ट ऐड हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इवन इस सेक्शन में मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स मैटर करेगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। अगर तुम सीमेट के एग्जाम की बात करो तो 2nd वीक में होगा, कंप्यूटर बेस्ड है। ये सारे चेकआउट करने, ये पीडीएफ मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। पहले पेज पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटीग्रेशन नहीं था, वो चेकआउट कर लेना थोड़ा, राइट। सीमेट में अगर तुम सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलते हैं नेगेटिव, यू जस्ट चेक आउट। ये जो सिलेबस कह रहा था ना मैं, तुम लोगों को सबसे पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटीग्रेशन का जो सिलेबस है वो कॉमन है। तो वी गाइस स्टार्ट विद परसेंटेज, वेरी बेसिक पार्ट ऑफ परसेंटेज, और इस सीक्वेंस में पहले अर्थमेटिक, फिर एलजेब्रा, फिर नंबर सिस्टम, और फिर ज्योमेट्री, और लिटिल बिट पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथ। यहाँ पे कैट जितने लेवल का हाई लेवल नहीं आने वाला, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बीए, बीकॉम, बीएससी, या फिर तुम्हारा बचपन से मैथ्स वीक था और तुम लोग अभी भी कैट के चक्कर में, जेट के चक्कर में ऐसे सोच रहे हो कि सर होता ही नहीं क्या करें, तो बेसिक और यहां तक का लेवल हाई नहीं रखेंगे, यहीं तक के लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखो तुम जरा, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी ऐसे नहीं रखने वाला मैं, हर टॉपिक को फिनिश करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक यहां से पढ़ो, ये वहां से पढ़ो, ये कर लो इस बुक से कर लो वो, सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उसी सीक्वेंस में एक क्लास रखेंगे। इस क्लास में पूरा डिस्कशन रहेगा, 4 से 5 अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसके बाद एक DPP तुम्हें विद सॉल्यूशन मिलेगी जो हेल्प करेगी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए। मतलब सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, टॉपिक करने के बाद प्रैक्टिस कहां से करें, तो वो मैं सॉर्ट आउट करूंगा इस आने वाले अपकमिंग बैच में, ठीक है। आगे देखो जरा, VRC का सेक्शन भी है, सारे चेकआउट करने हैं, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस का भी मैं तुम्हें सीक्वेंस बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूज़पेपर्स के थ्रू या कौन कौन सी ऐसी बुक है जो करंट अफेयर के लिए अच्छी है, वो भी सीक्वेंस में फॉलो करनी है, ठीक है। आगे देखोगे तुम लोग सीमेट 23 का जो पहला पैटर्न था उसके अंदर जो मिसिंग था ना, वो मिस करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20, लॉजिकल रीजनिंग, VRC, जर्नल अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे सीक्वेंस में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 400 मार्क का होगा। और अभी से इतना नहीं सोचना कि सर आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, जस्ट फोकस ऑन योर सिलेबस, ठीक है। आगे की बात करें तो मैंने सब कुछ बताया, देखो तुम्हें जर्नल अवेयरनेस के लिए क्या क्या करना है, पूरी वीडियो का मेन मोटिव ये था, बेस्ट बुक फॉर जर्नल अवेयरनेस सब कुछ मेंशन है, सीक्वेंस में फॉलो कर लेना, जो भी अवेलेबल हो वो सफिशियंट है तुम लोगों के लिए। आगे देखोगे तुम सीमेट की बुक्स के नाम, अगर तुम सर ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होता है, ये क्या नया टॉपिक है, इस नए टॉपिक की तुम्हें मैंने सीक्वेंस में बुक और उनके ऑथर्स के नाम दे दिए, किसी एक को उठाना और पैरेलली उसको फिनिश कर देना, टफ टॉपिक नहीं है। एक्चुअल में एमबीए करने के जो जितने भी मोटिव हैं एंटरप्रेन्योरशिप
क्या है, स्टार्टअप्स कैसे किए जाते हैं, ये स्टार्टअप्स का माइंड बिल्डिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, सब कुछ इसमें सीक्वेंस में गिवन होगा। इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। इसके बाद तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि कौन कौन से बी स्कूल सीमेट का स्कोर लेते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहां से बिलोंग करते हो, सब कुछ सिक्वेंस में लिखा है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज हैं जो ये लेते हैं। ये हेल्प कहां करेगा पता है तुम्हें, तुम्हें हेल्प करेगा क्योंकि तुम कौन से स्टेट से हो, तुम कहां जाना चाहते हो, ठीक है। आगे देखो जरा, अब तुम लोगों को अगर मैं सीमेट की बात करूं, टॉप कॉलेजेस, अब है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, समटाइम यू गाइस आस्क कि सर है ना सीमेट कौन कौन से कॉलेज स्कोर कार्ड लेते हैं, कौन से कॉलेज टॉप के हैं, कौन से फिल करूं, किसको टारगेट करूं, तो ये सीक्वेंस मैंने दे दी तुम्हें, ठीक है, ध्यान से सुन लो, फिर तुम बार बार एक ही चीज पे जाते हो और सर्च करने में। ये वीडियो तीनों एग्जाम को कवर करेगा, सो डोंट वरी, है ना, सब कुछ अपन रखने वाले हैं इसमें। चलो इसके बाद आती है महाराष्ट्र सिटी, हाईलाइट दे रहा हूं क्योंकि नया बैच आ रहा है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र सिटी की बात कीजिए तो इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, 4 सेक्शन है, वही LR, AR, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी, बहुत अच्छी बात इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे ज्यादा बच्चे से टारगेट करते हैं, जो बहुत ही वीकर है वो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और चांसेस बहुत बेटर है, यू कैन टारगेट, ठीक है। और देखो जरा, हाँ इसमें लॉजिकल रीजनिंग 75 पूरा खेल इसका है, ठीक है, AR 25, VRC 50, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50। ये मान के चलो कि जिसको जिसको प्रॉब्लम है कि उसे जीके नहीं याद होता, जिसे और सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, जिसको नेगेटिव मार्किंग से प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र सिटी यहाँ वन टाइम सॉल्यूशन है, तुम यहाँ जाओ डायरेक्ट इस एग्जाम के प्रिपरेशन करो, और यहाँ वेटेज LRDI और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बहुत हाई है। सिर्फ एक पार्ट ऐसा है जो तुम लोगों को अगर हो सके तो वीक हो सकता है, VRC, उसको टारगेट कर लो। अब ये टॉम्प एंड ट्रस्ट ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये बाकी है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और ये बाकी सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम सीक्वेंस में आ रहे हैं जिनको मैं अभी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। चलो फटाफट अब टॉपिक की बात करो, सीक्वेंस में एक बार टॉपिक देख लेना, मैं कह रहा हूं 70% सिलेबस जो होगा आने वाली वीडियो में वो सिलेबस भी मैं कवर अप करूंगा, उन सिलेबस को पहले फिनिश कर रहे होंगे अपन, ठीक है। चलो थोड़ा और देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस ये भी सेम एज इट इज था सीमेट, थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस हो सकते हैं, पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड एज इट इज है जैसा तुम लोगों का सीमेट में था, राइट। और आगे के ये बुक मैंने सीक्वेंस में बुके दिए, देखो अब बार बार कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि बुक कहां से मिलेगी, कौन सी चीज कहां से मिलेगी, मैंने सीक्वेंस में सारे के सारे बुक और एंड ऑथर्स सजेस्ट कर दिए हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि DPP मोर देन सफिशियंट रहने वाली है तुम्हारे लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखोगे ये टॉप MBA इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र सिटी का स्कोर लेते हैं, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस है बच्चों, बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं कि कौन 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 सा स्कोर एक्सेप्ट करता है, क्या सिलेबस है और क्या सिनेरियो है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सारी चीजें जो मेन अर्ली तुम लोग पूछते रहते हो या फिर इसके चक्कर में घूमते रहते हो पता नहीं होता, वो मैंने इस वीडियो में टारगेट किए, ठीक है। अगर बात करूं टिस्नेट 23 का, तो टिस्नेट 23 की बात करें, ये इंग्लिश ऑनलाइन, इसमें जनरल अवेयरनेस वापस आ गई, ठीक है, ये तो मैं करवा रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग हो रहा है और यहां पे इंग्लिश भी है, टोटल 100 मिनट का है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 है, प्लस 1 है, और अगर तुमने अनकरेक्ट किया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम सा सिनेरियो अगर GK को हटा दिया जाए तो कुछ सेम सा सिनेरियो किस तरीके का, महाराष्ट्र सिटी जैसा, ठीक है। आगे तुम लोग देखोगे महाराष्ट्र सिटी का एग्जाम पैटर्न, सब कुछ ये सीक्वेंस में फॉलो किया गया, वेटेज भी बता दिया मैंने यहाँ पे, चेकआउट कर लेना। और इसे चेकआउट करने के लिए ओनली एंड ओनली टेलीग्राम चैनल ग्रो मोर अकेडमी, ये _grow_more_academy, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा ये पूरा का पूरा PDF। और देखोगे तुम लोग तो भैया मैथमेटिक में इंपॉर्टेंट क्या है, वही सिनेरियो, मैं फिर बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं कि 70-80% सिलेबस तीनों एग्जाम का सेम है, और आने वाला ये जो मंथ चल रहा है जनवरी से लेके अप्रैल तक, तुम लोग मेंटली प्रिपेयर रहो, मैं नेक्स्ट 30 डे के अंदर ये 70% सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करवाऊंगा नेक्स्ट 30 डे में, ठीक है। आगे देखो जरा, आगे और देखोगे तुम लोग तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने अच्छे से टॉपिक दिए, इस टॉपिक को इसी सिक्वेंस में पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी पढ़ रहे हो तुम्हें पता ही नहीं क्या आ रहा है।
ज्यादा डेप्थ में नहीं आता, लास्ट 10 मंथ का करंट अफेयर अगर पता है तुम निकाल लोगे, ठीक है। आगे देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक वही सीक्वेंस फॉलो हुई है एज इट इज, जो मैंने महाराष्ट्र सीटी और सीमेट दोनों के लिए बोला था वो दोनों इसके फॉलो हुई है, ठीक है। आगे देखो जल्दी से फटाफट, अगर तुम इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में भी सेम टॉपिक से ही आ रहे हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? ये सब कुछ सीक्वेंस में मैंने इसलिए रखा है कि तुम है ना अलग अलग सर्च करते रहते हो। अब है ना कि सर कौन सा एग्जाम दे कौन सा नहीं दे, ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तुम्हारी तुम्हारा मन है कि तुम तीनों एग्जाम देना चाहो तो तीनों दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो सिर्फ मैं एक एग्जाम पे फोकस करके वो निकालना चाहता हूं, वो कर सकते हो। तुम चाहो किसी दो एग्जाम के साथ जाना चाहो, वो कर सकते हो। बट इसके लिए अलग अलग कोर्स डिजाइन करना सही सिनेरियो नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 30% सिलेबस डिफरेंट है, वो 30% तो हम करवा देंगे। जो 70% मेनली सीमेट में भी आता है, टिसनेट में भी आता है, महाराष्ट्र सीटी में भी आता है, वो टारगेट करेंगे। और क्लासेस स्टार्ट होगी तुम लोगों की फ्राइडे से 5 PM विद डीपीपी। डीपीपी की बात करो तो मैं तुम्हें ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बता चुका हूं, 5 PM इज इट क्लियर। और इसी फ्राइडे से स्टार्ट होगी 5 PM और सीक्वेंस में स्टार्ट करूंगा क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, LR और AR। ये तीनों मेनली फोकस रहेंगे 70% सिलेबस जो सीमेट, महाराष्ट्र सिटी और टिसनेट, 70 भी कम ही बोल रहा हूं मैं, 90 तक चला जाता है। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, अगले 3 से 4 महीने में तुम चाहते हो कि तुम पढ़ाई करके और किसी अच्छे MBA कॉलेज से MBA करना चाहते हो तो ये फाइनल कॉल है। इसीलिए इसका टाइटल रखा गया फाइनल कॉल फॉर MBA इन 23-24। और अगर इसके अलावा 23 टारगेट है वो तो टोटली डिफरेंट चीज है, तो यहां से इस चीज से तुम टारगेट कर सकते हो। मेन फोकस ये है कि ज्यादा डाइवर्ट ना होके अपने आप को फोकस्ड रखो, चीजों को डिटेल में ना पढ़ के वही पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। कई बार क्या होता है टॉपिक अच्छा लगता है उसके डिटेल में चले जाते हैं, वो तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। जो भी क्वेरीज हो और जो भी तुम्हें पूछना हो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन गाइस, नोटिफिकेशन के बाद 70% जनता पढ़ाई करना स्टार्ट करती है बट वो 70% एग्जाम क्रैक नहीं करते। तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है, नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में सबके एक्टिव हो जाएंगे। डोंट वेट, फ्राइडे से क्लास स्टार्ट करते हैं 5 PM। अगर टाइमिंग को लेके कोई डाउट हो तो यू कैन सजेस्ट अ बेटर टाइम फॉर दिस बैच, एंड एज सून एज पॉसिबल मैं इसी ग्रो मोर अकेडमी पे सब कुछ तुम लोगों को अपडेट कर दूंगा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो लाइव क्लासेस लेना, वो ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगी। एंड शेयर विद योर फ्रेंड, अगर तुम्हें लगे कि सर ने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉजिकल रीजनिंग ये सब कुछ अपडेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया तो इसे शेयर भी कर देना। और ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है तुम लोगों की, अब ज्यादा तुम्हें घूमना नहीं पड़ेगा कॉलेज कौन से हैं, बुक कौन सी है, एग्जाम कौन से हैं, अगले 3 एग्जाम कब कब है, ये सब कुछ इस PDF में अपडेटेड है। और इस वीडियो के थ्रू तुम इसे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो और पढ़ते रहो। बाय बाय।